नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस साल शोमी कंपनी ने अपने रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स स्मार्टफोन को लॉन्च किया है, जो कि मार्केट में दोस्तों बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपको बढ़िया अच्छे फीचर्स भी दिए गए हैं और इस स्मार्टफोन का लुक और इसका डिजाइन भी बढ़िया है। और दोस्तों, इसी स्मार्टफोन की टक्कर में मोटोरोला कंपनी ने मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस को कुछ दिन पहले ही इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है। और दोस्तों, यह स्मार्टफोन भी इंडियन मार्केट में बहुत ही ज्यादा पसंद किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर भी आपको कंपनी ने रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स स्मार्टफोन की तरह ही बढ़िया अच्छे फीचर्स भी दिए हैं और इस स्मार्टफोन के अंदर आपको दोस्तों पॉपअप सेल्फी कैमरा मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, अब इन दोनों स्मार्टफोन को कड़ी टक्कर देने के लिए सैमसंग कंपनी एक बार फिर से अपने नए स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M31S स्मार्टफोन को लेकर आ रही है। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर भी आपको मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस और रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स स्मार्टफोन की तरह ही फीचर्स देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, अब ऐसे में आपके सामने यह सवाल आता है कि आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप एक बढ़िया अच्छा 20,000 रुपए से कम कीमत का स्मार्टफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं तीनों स्मार्टफोन के लुक और इनके डिजाइन के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने पंच होल नोज डिस्प्ले दी है और इसके अंदर आपको शिकेर टाइप में क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। वहीं अगर दोस्तों मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस की बात की जाए, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको वर्टिकल शेप में क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और इसके अंदर आपको दोस्तों पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, इसलिए इसके अंदर आपको नोच डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगी। और दोस्तों, अगर सैमसंग गैलेक्सी M31S स्मार्टफोन की बात की जाए, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी पंच होल नोच डिस्प्ले देगी और इसके अंदर आपको दोस्तों एल टाइप में क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर इनके फीचर्स की बात की जाए, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 6.67 इंच की फुल HD IPS पंच होल नोच डिस्प्ले दी है, जो कि 1080x2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ है और इसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 है और इसकी कोर्निंग के ऊपर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 6.5 इंच की फुल HD IPS LCD डिस्प्ले दी है, जो कि 1080x2340 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ है और इसका एस्पेक्ट रेशियो 19:9 है। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए सैमसंग गैलेक्सी M31S स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी 6.4 इंच की फुल HD सुपर एमोलेड इन्फिनिटी ओ शेप की नोच डिस्प्ले देगी, जो कि 1080x2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ होगी और इसका एस्पेक्ट रेशियो भी 20:9 होगा। तो दोस्तों, अगर इन तीनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के डिफरेंस की बात की जाए, तो दोस्तों साइज के मामले में रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स और मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस आगे है। इनके अंदर आपको दोस्तों बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों क्वालिटी के मामले में सैमसंग गैलेक्सी M31S स्मार्टफोन आगे रहेगा। इसके अंदर आपको दोस्तों सुपर एमोलेड का पैनल देखने को मिलेगा और इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर बात की जाए इन तीनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप की, तो दोस्तों रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने इसके बैक पैनल के ऊपर 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया है। जबकि दोस्तों मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप की बात की जाए, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने इसके बैक पैनल के ऊपर 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट पॉपअप सेल्फी कैमरा दिया है। जबकि दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M31S स्मार्टफोन की बात की जाए, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी इसके बैक पैनल के ऊपर 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दे सकती है। तो दोस्तों, अगर इन तीनों स्मार्टफोन के कैमरा के डिफरेंस की बात की जाए, तो दोस्तों रियर कैमरा के मामले में तीनों ही स्मार्टफोन सेम रहेंगे। तीनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों फ्रंट कैमरा के मामले में रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स और सैमसंग गैलेक्सी M31S स्मार्टफोन आगे रहेगा। इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको दोस्तों 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन तीनों स्मार्टफोन के वेरियंट्स के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स स्मार्टफोन की, तो दोस्तों यह स्मार्टफोन आपको मार्केट में 6 GB और 8 GB रैम के साथ देखने को मिलता है, जिसके साथ आपको 64 GB और 128 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 6 GB की रैम दी है, जिसके साथ आपको 128 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है और इसके अंदर भी आपको दोस्तों माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिल जाता है। जबकि दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M31S स्मार्टफोन की बात की जाए, तो दोस्तों यह स्मार्टफोन आपको मार्केट के अंदर 6 GB और 8 GB रैम के साथ देखने को मिल सकता है, जिसके साथ आपको 128 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा और इसके अंदर भी आपको माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा। तो दोस्तों इन तीनों स्मार्टफोन के वेरियंट्स की बात की जाए, तो दोस्तों मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस स्मार्टफोन के अंदर आपको सिर्फ एक ही वेरियंट देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन तीनों स्मार्टफोन के
प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों अगर बात की जाए Redmi Note 9 Pro Max स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 720G का चिपसेट दिया है और ये मोबाइल एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लॉन्च किया गया है जो कि MIUI 11 के ऊपर काम करता है और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको एडिनो 618 का GPU देखने को मिलता है। जबकि दोस्तों बात की जाए Motorola One Fusion Plus स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 730G का चिपसेट दिया है और यह मोबाइल एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लॉन्च किया गया है और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर भी आपको एडिनो 618 का GPU देखने को मिलता है। और वहीं अगर दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन के प्रोसेसर की बात की जाए, तो दोस्तों वैसे तो इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर भी आपको कंपनी M31 स्मार्टफोन की तरह ही सैमसंग के एक्सनोस 9611 का चिपसेट दे सकती है और यह मोबाइल एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लॉन्च किया जाएगा और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको Mali G72 का GPU देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर इन तीनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के डिफरेंस की बात की जाए, तो दोस्तों प्रोसेसर के मामले में Motorola One Fusion और Redmi Note 9 Pro Max स्मार्टफोन आगे है। इनके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का चिपसेट देखने को मिलता है जो कि आपको बड़ी और अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस देंगी। और दोस्तों अगर बात की जाए इन तीनों स्मार्टफोन की बैटरी, तो दोस्तों Redmi Note 9 Pro Max स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 33 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5020mAh की बड़ी और अच्छी पावरफुल बैटरी दी है। जबकि दोस्तों Motorola One Fusion Plus स्मार्टफोन की बात की जाए, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 15 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5000mAh की बड़ी और अच्छी पावरफुल बैटरी दी है। जबकि दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन की बात की जाए, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी 25 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 6000mAh की बड़ी और अच्छी पावरफुल बैटरी देगी। तो दोस्तों बैटरी के मामले में सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन आगे रहेगा। इसके अंदर आपको दोस्तों बड़ी अच्छी पावरफुल बैटरी देखने को मिलेगी जिससे आपको यह स्मार्टफोन लॉन्ग पावर बैकअप देगा। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों यदि आप एक बढ़िया अच्छा नॉन चाइनीज कंपनी का स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको फीचर्स भी बढ़िया मिलेंगे और इस स्मार्टफोन की कीमत इन दोनों स्मार्टफोन के आसपास रखी जाएगी। बाकी दोस्तों आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।